बुद्धू, अरे कहाँ गया? हाँ मालिक, आपने मुझे बुलाया क्या? बाजार जाकर राशन की दुकान से जरा सरसों का तेल तो ले आ, उसके बाद आलू की सब्जी और चावल बना लेना, समझ गया ना? अभी जाता हूँ और जल्दी से तेल लेकर चला आता हूँ। मैं हूँ बुद्धू, प्यारा बुद्धू, दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। काम गड़बड़, सब गड़बड़, करता हड़बड़, मारे लोग थप्पड़। ऐ, ये क्या गाया मैंने? याद आ गया। मैं हूँ बुद्धू, प्यारा बुद्धू, दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। अरे बाप रे, गले में दर्द होने लगा। सुनिए, जरा मुझे सरसों का तेल दीजिए। इतना दो? आधा लीटर? नहीं, अभी तो कहा ना, जरा सा दीजिए। अरे बुद्धू, जरा सा कहने से कैसे समझूंगा, मात्रा बतानी पड़ती है, मात्रा। सुनो भाई, मैं बुद्धू हूँ पर मेरे मालिक बुद्धू नहीं है। जब उन्होंने कहा है जरा सा सरसों का तेल, तो मुझे जरा सा सरसों का तेल ही चाहिए, समझ गए ना? नहीं, इसे समझाना मेरे बस की बात नहीं है। सरसों का तेल लेने के लिए कुछ लाए हो क्या? जी नहीं तो। नहीं तो? तो ठीक है, मैं बोतल में भर के देता हूँ। ये लो पकड़ो। ए बुद्धू, बाद में ये बोतल मुझे वापस लौटा देना, समझा? याद से लौटा देना। मैं हूँ बुद्धू, प्यारा बुद्धू, दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। काम गड़बड़, सब गड़बड़, करता हड़बड़, लोग मारे थप्पड़। मैं हूँ बुद्धू। जा ना, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जा। अरे बुद्धू, गाना बंद कर और वहाँ देख, बोतल में से तेल गिर रहा है। अरे अरे, क्या कर रहा है, ये क्या किया? अरे रे, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, तेरे जैसा बुद्धू इससे बेहतर कर भी क्या सकता है? ये कहने से नहीं चलेगा, ये सब तुम्हारी कारस्तानी है, मैं खूब समझता हूँ। अभी मेरा तेल उठा कर दो, वरना मैं मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, समझे? अरे बापरे, तुम मुझे मारोगे क्या? मारूंगा या सम्मान करूंगा वो बाद में बताता हूँ, पहले मेरा तेल उठा कर दो। चलो मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ, तुम फिर से दुकान जाकर तेल ले लो। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो जरा सा ही तेल चाहिए, मालिक ने कहा है। चलो अब तेल उठा कर दो। इससे समझाया नहीं जा सकता। सुन बुद्धू, तुमने हैंडपंप से पानी निकलते देखा है? हाँ। ठीक वैसे ही अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना और गिराना, मगर आंखें बंद करके, देखना फिर तेरा तेल मिट्टी से बोतल में वापस आ जाएगा। कितनी बार करना पड़ेगा? यही कोई 2000 बार करना पड़ेगा, कर पाओगे ना? क्यों नहीं कर पाऊंगा, जरूर। तो फिर शुरू कर बुद्धू, शुरू कर। एक, दो, तीन, चार, हाँ, पाँच, छः, सात। सतहत्तर, अठहत्तर, उनासी, अस्सी। नहीं, ये बुद्धू को आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहीं रास्ते में उसे कुछ हो तो नहीं गया? चलो जाके मैं खुद ही देखता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया होगा। पंद्रह सौ सतहत्तर, पंद्रह सौ अठहत्तर, पंद्रह सौ उनासी, पंद्रह सौ अस्सी, पंद्रह सौ इक्यासी। बुद्धू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ जी जी, वो मैं हैंडपंप से पानी की तरह मिट्टी से तेल बाहर निकाल रहा था। हैंडपंप? पर हैंडपंप कहाँ है जो तू हैंडपंप चला रहा है? अरे अरे, गलती हो गई, मैं अभी आता हूँ मालिक, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। एक, दो, तीन, अरे शैतान, तू ये कहाँ से लेकर आया? जी जी, और कहाँ से ले आऊंगा, घर के नल को उखाड़ कर ले आया हूँ मैं। बदमाश भुलक्कड़,
कमाल, मैं वहाँ परेशान हो रहा हूँ और तुम यहाँ हैंडपंप से तेल निकाल रहे हो। चलो घर चलो, आज तो मैं तुम्हारा मार मार के तेल निकाल दूंगा। अरे रघुनाथ, ओ रघुनाथ, बुद्धू को ऐसे खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? कुछ मत पूछिए हरू काका, इसकी वजह से अब मैं पागल हो जाऊंगा। काश ऊपर वाले ने इसे थोड़ी बुद्धि दी होती। बुद्धि तो सबके दिमाग में थोड़ी बहुत होती है रघुनाथ, बस उसे तेज करनी पड़ती है। ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है, समझे? हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ही इसकी बुद्धि तेज करने की जिम्मेदारी लीजिए ना। क्यों आरुका? ठीक है, मैं तुम्हें अपने शहर के एक मित्र नरेश शुक्ला का पता देता हूँ और एक चिट्ठी भी लिख कर देता हूँ, उसके पास बुद्धू को भेज दो। एक महीने में बुद्धू पूरे दिमाग भर के बुद्धि लेकर तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ वाह, मुझे बुद्धि हासिल करनी पड़ेगी। मालिक, मैं कल ही जाऊँगा। भला अब क्या करने वाला है तू? मालिक अब बस देखते जाइए, शहर से मैं बुद्धि सीख कर ही आऊँगा। अच्छा भैया, यहाँ नरेश शुक्ला का घर कहाँ है, बता सकते हैं? वो क्या तुम वो कंजूस वकील की बात कर रहे हो? पिछली बार भी उसे कमीशन के लिए लटका दिया था, पर उसने आज तक मेरा कमीशन दिया ही नहीं। सुनिए भैया, यहाँ पर वो नरेश शुक्ला का घर कहाँ है, बता सकते हैं? पता क्या है जी, मुझसे कहा गया था बस से उतरते ही जिसे देखो उससे ही पूछ लेना। अरे ये जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आया है, कहीं मुझे काट तो नहीं लेगा। अरे शुक्ला का घर, अरे नरेश शुक्ला का घर भाई। अरे अरे सुनिए दादा, अरे बताइए तो सही, कहाँ से हो भाई? रांची से आए हो क्या? नहीं नहीं, रांची नहीं, गोविंदपुर से। गोविंदपुर से आ रहा हूँ मैं। लगता है ये पूरा बुद्धू है, लगता है इससे ही पैसे वसूलने पड़ेंगे। तुम एक काम करो, वो बड़ा सा घर दिख रहा है तुम्हें? हाँ ये ऊंचा वाला, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ वही ऊंची मंजिल पर। लेकिन तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? गिन रहा था। गिन रहे थे? परमिशन किससे ली? क्या यहाँ गिनने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है? इजाजत ली क्या तुमने? अरे ये क्या कर दिया? नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझसे इजाजत नहीं ली? चलो अब तुम्हें फाइन देना होगा, 10 रुपया प्रति माला। बताओ कितने गिने, बोलो। 2 माला। सच कह रहा हूँ, 2 माला। तो चलो 20 रुपए दो मुझे। हाँ अब ठीक है, तो अब बताओ नरेश शुक्ला से क्या काम है आपको? बुद्धि सीखने आया हूँ। कैसी बुद्धि सीखनी है, कुबुद्धि या सुबुद्धि? जब सीखना ही है तो दोनों ही सीखूंगा। जब पैसा दूंगा तो फिर आधा सीख कर क्या होगा ना। अच्छा तो फिर जाओ, वो 13 माले पर चले जाओ। जाओ पहुँचते ही जो सामने दरवाजा दिखेगा ना वही चले जाना, समझ गए? वही घर में नरेश शुक्ला रहते हैं, जाकर उनसे कुबुद्धि सीख लो, ठीक है ना? तो फिर मैं चलता हूँ भाई। नहीं भैया, शहर के लोग कितने बेवकूफ है, मैंने गिना 5 माला और दिया सिर्फ 20 रुपया। मेरी बुद्धि खुल रही है, अच्छा है, अच्छा है। किससे मिलना है? जी वो नरेश शुक्ला कौन है? कैसा केस? पुलिस का मामला है? खून है, डकैती है या चोरी का मामला जी, है? वो तो मुझे नहीं पता। तो है। फिर मुझसे क्या काम है? जी वो हारू काका ने मुझे आपसे बुद्धि सीखने के लिए भेजा, उन्होंने ये चिट्ठी भी दी है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ तो सकते हैं ना आप? वकील है तो पढ़ ही सकते हैं। सब बेकार का काम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सभी यही कहते हैं कि यही मैं सबसे अच्छा करना जानता हूँ। अब बात हो गया है, इससे बिना पैसे दिए ही इससे काम करवा लूंगा। हाँ। बुद्धि सीखने से पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। जी वो सब मैं अच्छे से कर लूंगा। उस कमरे को अच्छे से साफ कर दो और जो कागज जमीन पर गिरे होंगे ना उन सबको फाड़ कर जला देना, ठीक है? जी ठीक है।
पहले तो मैं इन कागजों के टुकड़े टुकड़े कर लेता हूँ। हाँ ये भी जमीन पर है, इसका मतलब इन्हें भी फाड़ना है। इसे भी फाड़ देता हूँ, इसे भी फाड़ देता हूँ, फाड़ देता हूँ। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, सब काम हो गए, अब इन्हें जलाना पड़ेगा। कल फायर ब्रिगेड को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, पूरी ऑफिस जल जाएगी। अरे ये क्यों किया तुमने? ये आप ही ने तो कहा था सब फाड़ कर आग लगा देने के लिए। फायर ब्रिगेड जल्दी कोई तो बुलाओ, मैं तो बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? क्या रे भाई, क्या बुद्धि सीखी है? जरा मैं भी तो बताओ जी। कुछ भी सीखने से पहले ही तो आग लग गई। इसी को कुबुद्धि कहते हैं। चलो मैं तुम्हें दुर्बुद्धि सिखाता हूँ। दुर्बुद्धि वो क्या है? बुद्धि का ही एक भाग है, क्या तुम नहीं जानते? ओहो, वो सीखने से क्या होता है? बुद्धि सीखना पूरा हो जाता है, वो भी 100%। ठीक है तो फिर अभी चलो। फीस लगेगी, वो भी 100 रुपए। बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है, हाँ, है ना? बिना पैसों के कुछ होता है क्या इस दुनिया में? हाँ, कुछ भी बोलते हो। चलो उस लाल दीवार के पास चलते हैं। ये देखो, ये देखो मेरा हाथ, देख रहे हो ना? देखो मैंने इसे दीवार पर रखा, और अब ना तुम में जितनी भी ताकत है ना सारी लगा दो। हाँ, उसके बाद मेरे इस हाथ को तोड़ दो ना, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है। अरे बाप रे, अरे ये हाथ तो मेरा था, और चोट तुम्हें लग गई। कुछ सीखा? हाँ बोलो, सीखा क्या? दुर्बुद्धि बाबा, अब जा सकते हो, तुमने बुद्धि सीख ली है। और सुबुद्धि नहीं सिखाएंगे? अरे वो तो ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है? समझ गया। तो अब घर जाओ। टाटा टाटा, मैं हूँ बुद्धू, प्यारा बुद्धू, दुलारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू। काम गड़बड़, सब गड़बड़, करता हड़बड़, लुक मारे थप्पड़। आपकी बात मानकर मैंने बुद्धू को आपके मित्र के पास भेज तो दिया, पर मुझे उसकी चिंता हो रही है। अरे तुम देखना, वो अब होशियार होकर ही लौटेगा। नरेश शुक्ल की संगत में गधा भी आदमी बन जाता है, तुम्हें नहीं पता? बुद्धू का दिमाग भले ही मोटा है, पर उसका दिल साफ है। ज्यादा तारीफ मत करो रघु, तुम्हारे बुद्धू के कारण गांव के सब लोग पागल होते जा रहे हैं। हाँ, अरे ये क्या, ये क्या, अरे ये वो दूर से बुद्धू ही है ना? अरे हाँ, बुद्धू ही तो है। वही तो है। अरे बुद्धू, तू वापस आ गया? जी जी, बुद्धि सीख ली है मैंने। देखा देखा ना? कहा था ना मैंने, नरेश शुक्ल का जवाब नहीं। वरना बताओ मुझे, एक ही दिन में तुम्हारे बुद्धू की बुद्धि को ठीक कौन कर पाता था? तो वहाँ पर तूने क्या सीखा रे बुद्धू? हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, क्या क्या सीख के आए हो तुम, हमें भी तो पता चले। जी दिखाता हूँ, ये किसका हाथ है? किसका है मतलब, तेरा ही तो है। क्या बेवकूफों की तरह सवाल कर रहा है? ये मैंने अपना हाथ ही लाया, परंतु रखूं कहाँ पर? यहाँ तो लाल दीवार तो है ही नहीं, क्या करूँ? अच्छा उपाय सूझा है मुझे, ये हाथ हारू मामा के नाक के सामने रखा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। उसके बाद? अरे यही तो बुद्धि का मामला है, मेरे इस नाक के ऊपर रखे हाथ को मारना है। मारिए मालिक, जोर से मारिए,
क्या कहा? तेरे हाथ पर घूंसा मारूं? हाँ हाँ हाँ, तभी तो बुद्धि दिखाऊंगा। मारिए मारिए। हाँ, मारो 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 घूंसा रघुनाथ। ये है नरेश शुक्ल की सिखलाई हुई बुद्धि, मारो। तो फिर मारूं? हाँ मालिक, मारिए 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 ना मारिए। मारो 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 घूंसा रघुनाथ, बिल्कुल निश्चिंत होकर मारो। हाँ चलो मारो। ओ बाप रे, ये क्या किया? अरे बाप रे, मालिक और नौकर ने मिलकर मुझे मारा, मेरी नाक तोड़ डाली। बाप रे, आप ही ने तो कहा था। अरे बाप रे, ओ नरेश, ये क्या सिखा दिया तुमने? अरे बाप रे, ओ अरे काका, आज की चिट्ठी। अरे ये क्या, ये तो नरेश की चिट्ठी है। अरे क्या लिखा है नरेश जी ने? बुद्धू नरेश का पूरा ऑफिस जला कर आया है, उसने मुझसे हर्जाने के लिए वकील की चिट्ठी भेजी है। हाँ क्या? ओहो बुद्धू, बुद्धू रे भाग भाग, बुद्धू यहाँ से भाग जा, जल्दी कर। अरे बुद्धू, तूने नरेश का ऑफिस नहीं चलाया बुद्धू, तूने मेरा जीवन जला दिया है। अरे बुद्धू तू रुक, अभी छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ मालिक मालिक, ऐसे भागना किस तरह की बुद्धि है बताइए? ये जान बचाने की बुद्धि है बुद्धू। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ।